हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलो आज नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सकवेशन सेफ्टी। देखिए, वैसे तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, और इम्पोर्टेंट में से एक होने के बावजूद खुद भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कि अगर हम रेफर करें कि किस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखा जाए, तो एक्सकवेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर में रखा जाता है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में। वो इसीलिए क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, कोई भी किसी भी चीज़ का, किसी प्रोजेक्ट, वो रोड प्रोजेक्ट हो, फ्लाईओवर हो, मेट्रो प्रोजेक्ट हो, वो टनल प्रोजेक्ट हो, पावर प्लांट बनाना हो, रिफाइनरी बनाना हो, स्टील प्लांट बनाना हो, कुछ भी करना हो कंस्ट्रक्शन अगर किसी भी चीज़ का, तो उसकी शुरुआत एक्सकवेशन से ही होती है। और एक्सकवेशन के बगैर कोई भी स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया जाता, कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया जाता। हर एक स्ट्रक्चर का फाउंडेशन बनाने के लिए खुदाई करनी पड़ती है, उसी को हम एक्सकवेशन बोलते हैं। सो एक्सकवेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी एवन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन। एक्सकवेशन प्रिकॉशंस आर द फर्स्ट अंडरटेकन एंड ए मेजर जॉब इफ इट इज इन ए कंस्ट्रक्शन साइट। एक्सकवेशन ऑपरेशंस को जो है सबसे पहले और सबसे मुख्य काम माना जाता है, अगर ये कंस्ट्रक्शन साइट पे हो तो सबसे ज़्यादा। द एक्सीडेंट आर फेटल इफ द एक्सकवेशन इज नॉट कैरिड आउट विद ऑल प्रोएक्टिव मेजर्स। अगर एक्सकवेशन सभी सुरक्षित उपायों के साथ, सेफ्टी के मेजर्स के साथ, सेफ्टी के फंडामेंटल्स के साथ अगर ऑपरेट ना किया जाए, तो एक्सीडेंट जो होता है वो फेटल ही होता है। फेटल एक्सीडेंट मीन्स खत्म। सो एक्सकवेशन आर डिफाइंड टू इंक्लूड ट्रेंच ऑल्सो। ट्रेंच और एक्सकवेशन दोनों एक्सकवेशन ही होते हैं, और दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, दोनों में स्ट्रक्चरल थोड़ा सा फर्क होता है बस। सो इन दिस यूनिट द डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सकवेशन, द हैजार्ड एसोसिएटेड विद एन एक्सकवेशन वर्क, द पर्सनल इन्वॉल्व इन कन्फाइंड स्पेस एंट्री एंड देयर ड्यूटी आर एक्सप्लेन। विदाउट लर्निंग द एक्सकवेशन इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द सेफ्टी मेजर्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द साइट। ये यूनिट, ये जो आज का हम लोग लेसन जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम लोग जानेंगे कि एक्सकवेशन क्या है, ट्रेंच क्या है, उसके मेथड क्या हैं, और हैजार्ड्स क्या क्या होते हैं, उनके प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म यूज किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। सो ऑब्जेक्टिव भी एक बार एक नज़र में देख लेते हैं कि आप क्या क्या सीख जाएंगे ये चैप्टर के ख़त्म होने तक। ये जो टॉपिक अभी आज हमने स्टार्ट किया एक्सकवेशन का, इसके ख़त्म होने तक आप क्या क्या सीख जाएंगे। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस टॉपिक, द स्टूडेंट्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सकवेशन एंड ट्रेंच, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद एन एक्सकवेशन वर्क। ऑल्सो यू विल एबल टू डिस्क्राइब द हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन द एक्सकवेशन वर्क, एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द सॉयल मैकेनिक्स, एंड यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सकवेशन। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं ये चैप्टर के ख़त्म होने तक। जनरल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि एक्सकवेशन सेफ्टी में, एक्सकवेशन वर्क में जनरली रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉयल एंड यूटिलिटीज बिफोर स्टार्टिंग द एक्सकवेशन। खुदाई शुरू करने से पहले हमें वहाँ की मिट्टी कैसी है ये जानना जरूरी है, और अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, यानी कि जहाँ खुदाई करने वाले हैं उसके नीचे क्या क्या यूटिलिटीज़ हैं, कोई पाइपलाइन, कोई इलेक्ट्रिकल लाइन, कोई गैस लाइन, या कुछ क्या नीचे से गया हुआ तो नहीं है, नीचे से गुजरा नहीं है यहाँ पे,
ये सब एक्सकावेशन शुरू करने से पहले देखना होता है। सेकंड इज डिसीजन चार्ट। डिसीजन चार्ट होना चाहिए कि हाँ अभी यहाँ पर स्टार्ट करना है, परमिशन सब जगह से मिल चुकी है। तीसरा रिक्वायरमेंट होता है सोयल क्लासिफिकेशन। सोयल क्लासिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ड्यूरिंग एक्सकावेशन वर्क। मिट्टी सोयल वहाँ की जमीन कैसी है, जब तक ये पता नहीं लगता है तब तक तो खुदाई करना गलत होगा, क्योंकि कई तरह की मिट्टी होती है और सोयल के टाइप के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे खुदाई का जो मेथड होता है वो फॉलो किया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज डेली इंस्पेक्शन। अब जब तक एक्सकावेशन चल रहा होता है तब तक हमें डेली इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ती है। एंड द स्पेशल सेफ्टी एंड हेल्थ कंसिडरेशन। स्पेशल हेल्थ एंड सेफ्टी के क्या क्या वहाँ पे मेजर्स लगाए जाने हैं, क्या क्या वहाँ पे सेफ्टी के रेगुलेशंस या वर्क परमिट या क्या क्या हमें फॉलो करना है वो चीज़ें। उसके अलावा प्रोएक्टिव सिस्टम्स, खुदाई करते टाइम बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए क्या क्या सिस्टम्स वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या क्या सिस्टम्स बनाए जाते हैं, क्या क्या सिस्टम लागू किए जाते हैं, ये भी रिक्वायरमेंट है। तो अब आते हैं डेफिनेशंस। एक्सकावेशन के अंदर कुछ एक ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मतलब जानना जरूरी है हमारे लिए। सो डेफिनेशंस में सबसे पहले एक्सकावेशन की डेफिनेशन है। व्हाट इज एन एक्सकावेशन? एन एक्सकावेशन इज एन एनी मैन मेड कट, कैविटी, ट्रेंच और डिप्रेशन इन एन अर्थ। जमीन में इंसान के द्वारा किया गया कोई भी कट, खुदाई, गड्ढा, कुछ भी एक्सकावेशन कहलाता है। यानी कि एक खाली ज़मीन पड़ी है वहाँ पे जाके हम खुदाल से या मशीन से या कैसे भी अगर कुछ मिट्टी निकाल के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं या ज़मीन में कोई कट बना देते हैं या कैसे भी किसी भी प्रकार से वहाँ की जो धरातल है, जो ज़मीन है, जो सरफेस है उसको डिस्टर्ब करते हैं किसी तरह से और उसके अंदर एक कटाव बना देते हैं तो वो एक्सकावेशन या हिंदी में खुदाई कहलाता है, खुदाई का कार्य कहलाता है। ठीक है भाई। और प्रोएक्टिव सिस्टम्स क्या होते हैं? प्रोएक्टिव सिस्टम एंड द मेथड ऑफ एक्सकावेशन विल बी डिसाइडेड विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन एंड क्लास ऑफ सोयल। प्रोएक्टिव सिस्टम बचाव के उस प्रणाली को हम कहते हैं, सुरक्षा की उस प्रणाली को कहते हैं जो मिट्टी के प्रकार को डिसाइड करने के बाद इस्तेमाल किया जाता है खुदाई के समय काम करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए। इसके बाद आता है कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है, हु इज द कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन इज एन इंडिविजुअल हु इज कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग एग्जिस्टिंग एंड प्रेडिक्टेबल हैजार्ड्स और वर्किंग कंडीशंस दैट आर हैजार्डियस और डेंजरस टू एम्प्लॉयज। कॉम्पिटेंट पर्सन वो इंडिविजुअल आदमी होता है या कोई एक टीम होती है, खासकर टीम तो नहीं है, इंडिविजुअल आदमी ही होता है जिसे कॉम्पिटेंट पर्सन का तमगा दिया जाता है, जिसे कॉम्पिटेंट पर्सन बोला जाता है। और वो होता है एक्सपर्ट एक किसी भी स्पेशल एक्टिविटी के लिए, वो स्कैफोल्डिंग के लिए हो सकता है, वो टूल एंड टेकल्स के लिए हो सकता है, वो क्रेन सेफ्टी के लिए हो सकता है, वो एक्सकावेशन के अलावा और इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए भी हो सकता है। कॉम्पिटेंट पर्सन के किसी भी एक फील्ड का एक्सपर्ट जो उसके अंदर होने वाले खतरों को जानता है, पहचान लेता है और उनके सेफ्टी मेजर्स बता सकता है और लोगों को जिन चीज़ से खतरा होता है उनको आइडेंटिफाई करके वो हमारे सामने बताता है या रिपोर्ट देता है। उसके बाद आता है इंग्रेस एंड एग्रेस क्या होता है। इंग्रेस एंड एग्रेस मीन्स एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट रिस्पेक्टिवली। इन ट्रेंचिंग और एक्सकावेशन ऑपरेशंस दे रेफर टू द प्रोविजन टू सेफ मीन्स ऑफ एम्प्लॉयज टू एंटर और एग्जिट एन एक्सकावेशन एंड ट्रेंच। इंग्रेस एग्रेस का मतलब कि एक एक्सकावेशन या ट्रेंच जहाँ पे खोदी हुई है, काम चल रहा है, वहाँ पे काम करने वालों का, एम्प्लॉयज का, वर्कर्स का एंट्री और उनका बाहर आने का रास्ता एग्जिट, इसी को हम इंग्रेस और एग्रेस बोलते हैं। अब एक और वर्ड आता है हैजार्डियस एटमोसफेयर। Hazardous atmosphere is an atmosphere that by reason of being explosive, flammable, poisonous, corrosive, oxidizing, irritating, oxygen deficient, toxic
और अदरवाइज हार्मफुल में कॉज हेल्थ इलनेस और इंजुरी टू पर्सन एक्सपोज टू इट। ठीक से सांस नहीं ले पाना, मिट्टी के नीचे दब जाना, फ्लेमेबिलिटी होना, एक्सप्लोजन होना, सांस ना ले पाना, जहरीली गैसें होना, या वहाँ का वातावरण सुरक्षा के नज़रिए से ठीक ना होना, ये सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट जब किसी पे भी पड़ता है तो उसे हम हैजार्डियस एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी कि वहाँ का वातावरण खतरनाक है, खतरों से भरा हुआ है। किसी न किसी प्रकार से वो किसी भी काम करने वाले को, वहाँ जो काम कर रहे हैं उन्हें अफेक्ट करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके बाद ट्रेंच क्या होता है, एक्सकवेशन आप जान गए हैं, अब ट्रेंच क्या होता है। ट्रेंच इज ए नैरो एक्सकवेशन, सिंपली ट्रेंच इज ए नैरो एक्सकवेशन। एक बार पहले भी एक क्लास में मैं बता चुका हूँ, देखिए एक्सकवेशन का मतलब है कि जो चौड़ाई में ज़्यादा होगा, जो हम खुदाई करते हैं वो चौड़ाई में ज़्यादा होगी और गहरा कम होगा तो उसे हम एक्सकवेशन बोलेंगे। वहीं खुदाई हो रही है उसकी चौड़ाई तो बहुत कम है लेकिन गहराई काफ़ी नीचे तक है, उसे हम ट्रेंच बोलेंगे। दोनों में इतना ही डिफरेंस होता है। इन जनरल द डेप्थ ऑफ ए ट्रेंच इज ग्रेटर देन इट्स विड्थ। नॉर्मली क्या होता है, उसकी चौड़ाई से उसकी गहराई ज्यादा होती है हमेशा, एंड द विड्थ इज नॉट ग्रेटर देन 15 फीट 4.5 मीटर। जो चौड़ाई होती है वो 15 फीट से ज़्यादा नहीं होती है। अगर 15 फीट से ज़्यादा किसी भी एक्सकवेशन की चौड़ाई हो गई है तो फिर उसको बेशक से 15 की बजाय 30 फीट या 35 फीट 40 फीट गहरा करें तब भी उसको ट्रेंच में कंसीडर नहीं करते हैं। 15 फीट से कम उसकी चौड़ाई हो और गहरा उससे दो गुना तीन गुना हो तो उसे हम ट्रेंच में कंसीडर कर लेते हैं। खतरे क्या क्या होते हैं, हैजार्ड क्या क्या होते हैं एक्सकवेशन वर्क के दौरान, हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन वर्क। द मेजर हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन वर्क लाइक कोलैप्स ऑफ साइड्स और केव इन बोल सकते हैं, कोलैप्स बोल सकते हैं। देखिए जब हम काम कर रहे होते हैं, जब वर्कर्स हमारे किसी भी एक गड्ढे में एक एक्सकवेशन पीट के अंदर काम कर रहे हैं तो जो हमारी साइडें हैं दोनों, जो दीवारें हैं वो कोलैप्स कर जाएं, वो ढह जाएं तो नीचे दब जाते हैं, ये एक खतरा होता है। इसको केव इन भी बोलते हैं कि एकदम से दब जाना। एंड द सेकंड पॉइंट इज पर्संस फॉलिंग इनटू एक्सकवेशन। जब एक्सकवेशन हो चुका है ऊपर किनारों पे कोई आदमी वहाँ चहलकदमी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, खड़े हैं, तो वो उसके अंदर नीचे गड्ढे में वो एक्सकवेशन पिट के अंदर गिर जाते हैं, फॉलिंग पर्संस। नेक्स्ट स्ट्राइकिंग अंडरग्राउंड यूटिलिटीज। स्ट्राइकिंग मतलब टकरा जाना या आमना सामना होना। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज जमीन के नीचे, मैं कई बार जिक्र करता हूँ, अंडरग्राउंड यूटिलिटी से मतलब होता है कि कहीं किसी नेचुरल गैस की पाइपलाइन गई हुई है, कहीं किसी रिफाइनरी की तेल की पाइपलाइन गई हुई है, हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी की कोई पाइपलाइन गई हो सकता है कि मोबाइल की BSNL या इस तरीके की जो कंपनियाँ होती हैं इनकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की कोई लाइन जा सकती है वहाँ से, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे में अगर हम बिना प्रिकॉशंस के अगर स्टार्ट कर देते हैं हमारा एक्सकवेशन का काम तो वहाँ पे इस तरीके के इंसिडेंट होना नॉर्मल बात है, होगा ही होगा, क्योंकि हमने पहले चेक नहीं किया, पहले वहाँ पे सर्वे नहीं किया है और काम स्टार्ट कर दिया तो हम नहीं जानते ज़मीन के नीचे क्या है। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। पर्संस इन एक्सकवेशंस बींग स्ट्रक बाई फॉलिंग मटेरियल। जो लोग नीचे काम कर रहे होते हैं गड्ढे के अंदर, उनके ऊपर ऊपर से सामान, मिट्टी, पत्थर या जो मिट्टी खुदाई करके साइडों में रखी जाती है वो, या कोई आदमी खड़े हुए हैं या उन्होंने कुछ टूल्स वगैरह रखा हुआ था वो सब उनके ऊपर गिरने का खतरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। बिल्डिंग और स्ट्रक्चर कोलैप्सिंग ड्यू टू एक्सकवेशन। मान लीजिए खुदाई कर रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ साथ में ही एक स्कूल है, एक घर है, या कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग है, या कोई टावर है, या रोड जा रहा है, उसी के बिल्कुल साथ में अलोंग विद द स्ट्रक्चर और बिल्डिंग अगर हम एक्सकवेशन स्टार्ट करते हैं तो वो साइड की
जो स्ट्रक्चर होता है, जो बिल्डिंग होती है, वो भी बहुत बार देखा गया है अखबारों में, न्यूज़पेपर में भी आपने सुना होगा, वो गिर जाता है उस एक्सकावेशन के अंदर। वही टाइम में अगर नीचे लोग काम कर रहे हों, क्रेन काम कर रही हो, कुछ मशीनें काम कर रही हों, तो वो दब जाते हैं और बहुत बड़ा हादसा होता है। इसके बाद अगला एक पॉइंट आता है फ्लडिंग। फ्लडिंग मतलब फ्लड आना, बाढ़ आना। तो ऐसा नहीं है कि बाढ़ मतलब ये होता है कि बारिश का कहीं पे है मौसम, पास में कहीं झील है, कोई समंदर है या कोई नदी भी जा रही है ऐसी जगह में, या फिर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है और चारों तरफ का पानी, क्योंकि पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, ऊपर की तरफ नहीं बहता है, तो चारों तरफ का पानी इकट्ठा हो गया उस पिट में, उस गड्ढे में, एक्सकावेटेड एरिया के अंदर चला जाता है, तो लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। जिनको तैरना आता है कभी कभी बच जाते हैं, कभी तो तैरने वाले भी नहीं बच पाते हैं। तो फ्लडिंग भी एक हैजार्ड्स आता है एक्सकावेशन के। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ एक्सकावेशन सेफ्टी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं एक्सकावेशन सेफ्टी का। स्पेशल हेल्थ एंड सेफ्टी कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, स्पेशल हेल्थ एंड सेफ्टी कंसिडरेशंस क्या क्या हैं, उसके बारे में अभी जिक्र करेंगे आज एक्सकावेशन सेफ्टी के दौरान। सबसे पहला, सरफेस क्रॉसिंग ऑफ ट्रेंच। देखिए, जब ट्रेंच खुदाई होती है तो उस ट्रेंच की जो दोनों अलग अलग बीच में से खुदाई कर दी तो सरफेस अलग हो गए ना दोनों, तो उनको आपस में क्रॉस करना, इधर से उधर लोगों को जाना है, तो वो ऐसे मंकी जंप करके नहीं जाने चाहिए। उसके लिए क्या करना है सुनिए, सरफेस क्रॉसिंग शुड बी डिस्करेज ऑन ऑफ ए रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इंजीनियर। वॉकवे और ब्रिज मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर फुट ट्रैफिक। पैदल चलने वालों के लिए एक वॉकवे प्रोवाइड करवाना होता है ट्रेंच के दोनों सरफेस को आपस में मिला के जोड़ के, यानी कि उनके ऊपर एक वॉकवे ब्रिज, एक फुट ब्रिज बना के। हैव ए मिनिमम क्लियर विड्थ ऑफ 20 इंच। मिनिमम कम से कम 20 इंच चौड़ा होना चाहिए जो वॉकवे ट्रेंच के ऊपर से बनाया जाएगा। बी फिटेड विद स्टैंडर्ड रेलिंग। दोनों साइड में उसके रेलिंग होना चाहिए जिसको पकड़ के, सपोर्ट लेके उसको पार कर सकें, उसको क्रॉस कर सकें। एंड एक्सटेंड ए मिनिमम ऑफ 24 इंचेज पास्ट द सरफेस एज ऑफ ट्रेंच। ट्रेंच के दोनों साइड के जो किनारे हैं ना, उनके ऊपर कम से कम 24 इंच, कम से कम 24 इंच दोनों साइड वो वॉकवे को स्टैंड करना होगा, वो वॉकवे को उसके ऊपर रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किनारे पे बिल्कुल आपने थोड़ा सा रखा हुआ है और वो कोलैप्स हो जाए एकदम मिट्टी थोड़ा सा वाइब्रेशन होने से, तो दोनों तरफ मिनिमम 24 इंच उसको ज़मीन के ऊपर, सरफेस के ऊपर एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया हुआ होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है एक्सपोजर टू फॉलिंग लोड। यहाँ स्पेशल हेल्थ और सेफ्टी की जो कंसिडरेशन है उनकी बात कर रहे हैं। पहला था हमारा सरफेस क्रॉसिंग ऑफ ट्रेंच, सेकंड है एक्सपोजर टू फॉलिंग लोड। फॉलिंग लोड का मतलब कि जब एक्सकेवेशन हो रहा है तो ऊपर से कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट्स, कोई दूसरा सामान या कोई स्ट्रक्चर या कोई प्रीकास्ट स्ट्रक्चर उठा के और वो एक्सकावेशन में नीचे पहुंचाना है, या नीचे एक्सकावेशन से कोई चीज़ उठा के ऊपर रखनी है, तो वो लोड जो लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है वो फॉलिंग हो जाए, वो गिर सकता है। इसीलिए नीचे काम करने वाला कोई नहीं होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एम्प्लॉयज मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लोड्स और ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम लिफ्टिंग और डिगिंग इक्विपमेंट्स। Employees are not permitted to work under raised load. जब लोड उठाया हुआ है तो उसके नीचे काम करने के लिए किसी को भी कभी अलाउ नहीं करना है, परमिटेड नहीं होना चाहिए कोई भी। Employees are required to stand away from equipments that is being loaded or unloaded. जब कोई भी equipments कुछ लोड कर रहा है या अनलोड कर रहा है, लोडिंग अनलोडिंग चल रही है, तो उससे दूर खड़ा होना चाहिए हर एक कामगार को, कोई भी कर्मचारी, कामगार बंधु, वहाँ पे कोई भी लेबर एम्प्लॉय खड़ा नहीं होना चाहिए उतने एरिया में जहाँ वो मशीन अपना काम कर रही है।
इक्विपमेंट्स ऑपरेटर्स और ट्रक ड्राइवर्स मे स्टे इन देयर इक्विपमेंट ड्यूरिंग लोडिंग और अनलोडिंग। जब भी लोडिंग अनलोडिंग हो रही है तो गाड़ी का ड्राइवर, लारी का ड्राइवर या जो ऑपरेटर है इक्विपमेंट्स का, वो अपने केबिन के अंदर ही बैठेगा, वो उसको छोड़ के बाहर निकल के नहीं आएगा। ये रूल्स फॉलो होना चाहिए। अगला हेल्थ एंड सेफ्टी कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है एक्सपोजर टू व्हीकल्स। प्रोसीजर टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज फ्रॉम बीइंग इंजर्ड और किल्ड बाय व्हीकल ट्रैफिक। रोड के किनारे या रास्ते के किनारे साइड में जब ट्रेंच या एक्सकवेशन का काम चल रहा है, खुदाई चल रही है, तो वहाँ पे लोगों को इंजर्ड होने से या जान खोने से, जान गंवाने से बचाना होगा, जिसके लिए क्या क्या करते हैं। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज विद एंड रिक्वायरिंग देम टू वियर वार्निंग वेस्ट और अदर सूटेबल गारमेंट्स मार्क्ड विद और मेड ऑफ रिफ्लेक्टिव और हाई विजिबिलिटी मटेरियल्स। वो जो चमकीली जैकेट है, देखिए कि आपने कभी रोड प्रोजेक्ट के दौरान दिन में भी या रात में भी सभी लोग वो एक चमकीली सी जैकेट पहन के रहते हैं, जो रात में क्या होता है कि दूर से भी लाइट लगने पे वो दिखाई देता है, कुछ चमक रहा है कि हाँ वहाँ कुछ खड़ा है, कोई खड़ा है। तो वो उस तरीके के गारमेंट्स, उस तरीके की वेस्ट जैकेट पहना के ही हमेशा एम्प्लॉयज को काम करवाना है। जब भी रास्ते के साइड में, जब भी किसी रोड के या किसी भी आम रास्ता जो है उसके साइड में एक्सकवेशन ट्रेंच का काम चल रहा हो। एंड ऑल्सो रिक्वायरिंग ए डेजिग्नेटेड और ट्रेंड फ्लैग पर्सन अलोंग विद साइन सिग्नल्स एंड बैरिकेड्स व्हेन नेसेसरी। एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड इंसान को वहाँ पे डेजिग्नेटेड करना चाहिए, वहाँ पे खड़ा करना चाहिए, एम्प्लॉय करना चाहिए, जिसके हाथ में शाइन मतलब लाल कलर के कुछ एक स्टिक्स होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, स्टॉप लिखा हुआ हो बहुत बड़ा वो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइन सिग्नल या वहाँ पे टेम्पररी बैरिकेड उसके पास रखे हो, उसकी ड्यूटी लगाई जानी चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ें कब तक आपको जो है इस्तेमाल करनी है, गाड़ियों को रोकना है, किधर आपको ट्रैफिक आने से रोकना है, किधर से ट्रैफिक को जाने का रास्ता देना है, ताकि वो एक्सकावेटेड पिट या उस ट्रेंच के अंदर गाड़ियाँ पलटी ना खा जाए, वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हो जाए। अगला हमारा हेल्थ सेफ्टी कॉन्सेप्ट आता है मोबाइल वार्निंग सिस्टम। बैरिकेड्स मस्ट बी इंस्टॉल वेयर नेसेसरी। बैरिकेड इंस्टॉल होनी चाहिए जहाँ पे भी ज़रूरत होती है, मतलब कि एक्सकवेशन है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वो रोड पोर्ट पास में कुछ है ही नहीं, बहुत दूर है, एक तरफ है, तो वहाँ टेम्पररी अगर वो वार्निंग टेप लगा देंगे चल जाएगा। लेकिन ऐसी कई जगह होती है जहाँ पे वार्निंग टेप लगाने से नहीं चलता है, हार्ड बैरिकेड करना पड़ता है, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे बैरिकेड करना चाहिए। हैंड और मैकेनिकल सिग्नल मस्ट बी यूज एज रिक्वायर्ड। हैंड सिग्नल कि ट्रैफिक को रोकना है, आप यहाँ से जाइए, या इसके अलावा मैकेनिकल सिग्नल, वहाँ पे कुछ ऐसा रिफ्लेक्टर लाइट या एलईडी लाइट ऐसी लगा देनी जो दिन और रात में वहाँ पे रिफ्लेक्ट करती रहें, वो सिग्नल देती रहें कि इधर रास्ता बंद है, इधर एक्सकवेशन चल रहा है, उधर से जाएं, वो चीज़ें वहाँ पे लगानी चाहिए, वो रिक्वायर्ड होती हैं मोबाइल वार्निंग सिस्टम के अंदर। स्टॉप लॉक्स मस्ट बी इंस्टॉल इफ देयर इज ए डेंजर ऑफ व्हीकल फॉलिंग इनटू ट्रेंच। जहाँ पे हमें लगता है कि ट्रेंच एक्सकवेशन के अंदर गाड़ियों के व्हीकल्स के गिरने का डर है, वहाँ पे स्टॉप के बोर्ड STOP लाल कलर का ऐसे बड़ा सा लगा दिया जाता है, तो वो डिस्प्लेइंग होने चाहिए, वो वहाँ पे लगे हुए होने चाहिए। एंड सॉइल शुड बी ग्रेडेड अवे फ्रॉम द एक्सकवेशन, दिस विल असिस्ट इन व्हीकल कंट्रोल एंड चैनलिंग ऑफ रन ऑफ वाटर। खुदाई के बाद जो मिट्टी निकल जाती है, जो सोयल निकलती है, उसको वहाँ से किनारों से हटा देना चाहिए, ये गाड़ियों को ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मदद करती है, क्योंकि बहुत तेज़ स्पीड में अगर गाड़ी आ रही है और वो बहुत सारी मिट्टी वहाँ गिरी हुई है एक्सकावेशन के बाद, जो निकाल के हमने मिट्टी साइड में ही छोड़ दी है, उससे टकरा सकती है, उसके ऊपर से जंप कर सकती है, तो वो चीज़ों में हेल्प मिलती है। द नेक्स्ट सेफ्टी पॉइंट इज हैजार्डियस एटमोसफेयर एंड कन्फाइंड स्पेस। देखिए कन्फाइंड स्पेस का यहाँ पे ये थोड़ा सा चैप्टर इसीलिए आया, ये थोड़ा सा पॉइंट इसीलिए आया है, क्योंकि ट्रेंच जब बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है ना, तो उसको हम कन्फाइंड स्पेस में कंसिडर करते हैं। ये कन्फाइंड स्पेस वाले चैप्टर में भी हमने सिखाया था, बताया था आपको, तो वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस का चैप्टर, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप कन्फाइंड स्पेस का कंप्लीट सब्जेक्ट जो है उसकी वीडियोज देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसीलिए अपन इस पर ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। इतना सा है कि उसके अंदर किसी को भी
ऐसी ट्रेंच के अंदर जिसको कन्फाइन स्पेस में कंसिडर किया गया है, वहाँ काम करने से पहले एयर क्वालिटी टेस्ट होना चाहिए, यूटिलिटीज़ वहाँ पे पहले से पता होनी चाहिए क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और 19.5% से ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं होना चाहिए और 23.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये मुख्य चीज़ है वहाँ पे कन्फाइन स्पेस को में अगर काम किया जाएगा तो। इसके बाद अगला सेफ्टी पॉइंट आता है एमरजेंसी रेस्क्यू। एमरजेंसी रेस्क्यू में क्या होता है, एमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन ए हैजार्डस एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट और कैन रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट। जहाँ पे हमें लगता है कि एमरजेंसी हो सकती है वहाँ पे एमरजेंसी रेस्क्यू के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है और वो हमारे पास रेडी होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। वो क्या क्या हो सकता है, रेस्पिरेटर्स मस्ट बी ऑफ द टाइप सुटेबल ऑफ एक्सपोजर, एम्प्लॉयज मस्ट बी ट्रेंड इन देयर यूज एंड ए रेस्पिरेटर प्रोग्राम मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड। ऐसे समय में जहाँ पे एमरजेंसी रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें रेस्पिरेटरी जो होती है, जो हमारे रेस्पिरेटर सिस्टम होते हैं कृत्रिम सांस के लिए, जो ब्रीदिंग अपरेट्स का जो सेट हम पहन के काम करते हैं, वो देना ज़रूरी है। और देने से पहले जिन लोगों को वो दिया जा रहा है उन्हें उसके बारे में कम्प्लीटली ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, पूरी तरीके से उन्हें ट्रेन करना ज़रूरी है कि जो पहन के जा रहे हो ये कैसे इसको यूज़ करना है, क्या इसमें डू करना है क्या डोंट है, मतलब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, डू और डोंट पता होने चाहिए, उसकी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि कितनी देर चलेगा, कौन सा काम करोगे तो कितनी देर में ये ख़त्म हो जाएगा। अगला है, अटेंडेड लाइफलाइंस मस्ट बी प्रोवाइडेड व्हेन एम्प्लॉय इंटर बेल बॉटम होल्स एंड डीप कन्फाइंड स्पेस और अदर सिमिलर हैजार्ड्स। बहुत पतली पाइपलाइन में या सीवर जो होते हैं उनके अंदर घुस रहे हैं, काफ़ी पतले होते हैं और एक या दो से ज़्यादा लोग एक साथ जा नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी के साथ साथ उनके साथ में एक लाइफलाइन भी जानी चाहिए, हमेशा बंदी होनी चाहिए वो लाइफलाइन उनके साथ, ताकि अंदर किसी तरीके भी इमरजेंसी होने पर वो लाइफलाइन को खींच के सिग्नल दे सकें और उसी लाइफलाइन को फॉलो करते हुए हमारे रेस्क्यूअर वहाँ अंदर जाके रेस्क्यू कर सकें और उनके बचा के बाहर ला सकें। ठीक है, एमरजेंसी रेस्क्यू में इतना ही। आगे आता है वाटर एक्यूमुलेशन। वाटर एक्यूमुलेशन का पॉइंट है कि गड्ढा जो होता है उसमें पानी बहुत जल्दी भरता है और पानी भरने के कई कारण होते हैं। बारिश की वजह से बाहर से पानी आ जाता है और साइड में कोई नाला जा रहा है, कोई पानी का और कोई सोर्स है तो वो टूट जाए तो वो भी उसके अंदर पानी चला जाता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि ऐसी ज़मीन पे खुदाई कर रहे होते हैं जहाँ पानी का जो अंडर वाटर है उसका लेवल बहुत ऊपर होता है, वो अपने आप ही फिर उसमें से पानी रिसता रहता है और वो गड्ढा काफ़ी भर जाता है कुएं की तरह, उसका पानी फिर कभी खाली नहीं होता है। उस ऐसे में क्या करना चाहिए, यूज ऑफ स्पेशल स्पॉट और सील्ड सिस्टम अप्रूव्ड बाय ए रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इंजीनियर। ऐसे टाइम में स्पेशल सपोर्ट यानी कि साइडों में खुदाई के टाइम में जो साइडों की जो दीवारें हैं हमारी उन पे स्पेशल सपोर्ट लगानी चाहिए, जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा वो बनाई हुई होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। नहीं तो नीचे पानी रहेगा तो नीचे की मिट्टी दरदरा के ऐसे नीचे धस जाएगी और ऊपर वाला भी कोलैप्स हो जाएगा पूरा का पूरा मटेरियल। वाटर रिमूवेबल इक्विपमेंट यूज एंड मॉनिटर्ड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन। नीचे से पानी को बाहर निकालने के लिए पंप सेट लगे होने चाहिए और किसी जानकार आदमी को ही इस काम में लगाना चाहिए। सेफ्टी हार्नेस एंड लाइफलाइंस आर यूज। ऐसे टाइम में सेफ्टी हार्नेस और लाइफलाइन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। सरफेस वाटर डाइवर्टेड अवे फ्रॉम द ट्रेंच। ट्रेंच जहाँ पे है तो बारिश का है, किसी भी तरीके का पानी जो ज़मीन पे है, जो सरफेस लेवल पे है, उसको हमेशा डाइवर्ट करना चाहिए। हमेशा डाइवर्ट इसलिए करना चाहिए कि डाइवर्ट नहीं करेंगे तो वो नीचे हमारी ट्रेंच के अंदर गड्ढे के अंदर चला जाएगा। तो ऊपर में ऐसी कोई मेड बना देते हैं या ऐसा कुछ सपोर्ट लगा देते हैं कि वो पानी ट्रेंच में आने की बजाय दूसरी तरफ चला जाए, या कोई ऐसा नाला खोद के साइड से ले जाते हैं कि पानी उसके जरिए बाईपास हो जाए, ट्रेंच के अंदर नहीं आए। एम्प्लॉयज रिमूव फ्रॉम द ट्रेंच ड्यूरिंग रेन स्टॉर्म। जब बहुत तेज बारिश चलती है तो ऐसे में एक्सकावेशन या ट्रेंच में काम करने वाले लोगों को तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, अंदर कोई भी नहीं रहना चाहिए। ट्रेंचेज केयरफुली इंस्पेक्टेड बाई ए कॉम्पिटेंट पर्सन और इंजीनियर आफ्टर ईच रेन एंड बिफोर एम्प्लॉयज आर परमिटेड टू री एंटर द ट्रेंच। जब भी बारिश
ख़त्म हो गए, जब भी बारिश बंद हो के वापस काम स्टार्ट करना होता है तो इंस्पेक्शन करने के बाद ही एम्प्लॉयज को काम के लिए परमिटेड करना है, अदरवाइज परमिशन नहीं देना है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है डेली इंस्पेक्शंस। डेली इंस्पेक्शन में क्या है, इंस्पेक्शन शैल बी मेड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन एंड शुड बी डॉक्यूमेंटेड। एक कॉम्पिटेंट पर्सन या एक इंजीनियर या एक स्पेशलिस्ट द्वारा डेली इंस्पेक्शन होनी चाहिए और हर एक इंस्पेक्शन का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसके अंदर कुछ रिटर्न में लिखा हुआ होना चाहिए क्या क्या वहाँ पे हमें मिला, क्या हमने किया, क्या डेवलप करने की ज़रूरत है, क्या क्या हमने वहाँ पे एनालाइज किया, क्या चीज़ें देखी हैं। उसमें क्या क्या रहेगा, डेली एंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ ईच शिफ्ट। ये इंस्पेक्शन कब करना है, डेली इंस्पेक्शन हमेशा डेली सुबह काम शुरू होने से पहले और हर एक शिफ्ट के ख़त्म होने के बाद जब दूसरी शिफ्ट आएगी तब, एज डिक्टेटेड बाई द वर्क बींग डन इन ट्रेंच। ट्रेंच में जब काम हो रहा होता है तो ट्रेंच में काम करने के बावजूद कुछ लोग खाने के लिए बाहर आते हैं, कुछ लोग रिफ्रेशमेंट के लिए बाहर आ जाते हैं, कुछ लोग और किसी दूसरे काम के लिए बाहर आते हैं, या कुछ टाइम के लिए उस काम को बंद किया जाता है, तो दोबारा जब भी वो लोग वापस उसमें इंटर करने जाएंगे ट्रेंच में, तो वहाँ पे पहले इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद वो अंदर जाएंगे। आफ्टर एवरी रेन स्टॉर्म, जब भी कोई बारिश आती है, बारिश ख़त्म होने के बंद होने के बाद डेली इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद अंदर लोग काम करने के लिए जाएंगे। अगर वो सेफ साबित होता है कि हाँ अभी इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, पानी वानी सब निकाल दिया गया, अभी यहाँ पर काम कर सकते हैं। आफ्टर अदर इवेंट्स दैट कुड इंक्रीज हैजार्ड्स, स्नो स्टॉर्म, विंड स्टॉर्म, अर्थक्वेक, ऐसा कुछ हो गया, भूकंप आया था, या बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश आई थी, या वहाँ पे मिट्टी गिर गई थी, ढह गई थी, या बर्फ गिरी थी बहुत ज़्यादा, ऐसे किसी भी काम के बाद अगर हमें वो सिचुएशन हैजार्डस लगती है तो इंस्पेक्शन करने के बाद ही वहाँ एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए परमिटेड किया जाता है। इसके अलावा वैन टेंशन क्रैक, अंडरकटिंग, वाटर सीपेज और अदर सिमिलर कंडीशन ऑकर, अगर हमें ऐसा लगता है कि जो एज हैं, जो साइड की दीवारें हैं, जो किनारे हैं ट्रेंच के, उसमें क्रैक आ गए हैं, या थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी उसमें से भुरभुरा के नीचे गिर रही है, ऐसी किसी भी सिचुएशन को देखने के बाद जब तक वहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं होगा, इंस्पेक्शन डन नहीं होगा, तब तक किसी को भी अंदर जाने की या काम करने की परमिशन नहीं रहेगी। वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सकवेशन सेफ्टी। एक्सकवेशन सेफ्टी के तीसरे चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका योगेंद्र कादियान, और स्टार्ट करते हैं एक्सकवेशन सेफ्टी में। फर्स्ट पार्ट में जिक्र किया था हमने सोयल टेस्टिंग का, तो देखिए जब तक सोयल टेस्टिंग नहीं होती है, मिट्टी का टेस्ट नहीं किया जाता है, तब तक एक्सकवेशन स्टार्ट नहीं करते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो आप किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं या कर चुके हैं या आप काम कर रहे हैं, तो ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूं ना, इनमें से आधी चीज़ें भी वहां फॉलो नहीं होने वाली हैं, आधी भी फॉलो नहीं होंगी। बट सिलेबस है, सब्जेक्ट्स हैं, तो देखिए कोई कोई एकाध इतनी बढ़िया क्लाइंट मिल जाता है कि वो कंपनी नहीं भी करना चाहे, सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ना भी करना चाहे, तो वो करवा लेते हैं उतनी अच्छी चीज़ें, इसलिए वो सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो भी सोयल मैकेनिज्म के बारे में, सोयल मैकेनिक्स के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि मिट्टी को कैसे चेक करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, क्या मशीन्स होती हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये मिट्टी किस लेवल की है और किस टाइप की मिट्टी है। अब यूनिट वेट की बात करते हैं, यूनिट वेट ऑफ सोयल, मिट्टी का यूनिट वेट अप्रोक्स कितना होता है।
1 क्यूबिक फुट ऑफ सॉयल, मिट्टी, 1 क्यूबिक फुट में मिट्टी जो है कैन वेट फ्रॉम 110 pounds टू 140 pounds, 110 से 140 pound वेट होता है किसी भी 1 क्यूबिक फीट मिट्टी के अंदर। 1 क्यूबिक फुट के अंदर जितनी मिट्टी होती है अप्रोक्सली उसका लगभग 110 पाउंड से 140 पाउंड या थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। और इसके अलावा 1 क्यूबिक मीटर, अगर फीट की बजाय हम बात करें 1 क्यूबिक मीटर 35.3 क्यूबिक फीट में सॉयल कैन वेट मोर देन 300 पाउंड। अगर 1 क्यूबिक मीटर मिट्टी की हम बात करें तो उसका वेट 3000 पाउंड लगभग होता है। एक टेम्प्रोरी सॉयल होती है, टेम्प्रोरी सॉयल का मतलब ऐसी सॉयल जो वहाँ पे परमानेंटली नहीं है, वो उड़ के इधर से उधर चली जाती है या उसको यहाँ से उधर उठा के रख दिया जाता है। टेम्प्रोरी सॉयल मस्ट बी प्लेस्ड नो क्लोजर देन 2 feet फ्रॉम द सरफेस एज ऑफ द एक्सकवेशन मेजर फ्रॉम द नियरेस्ट बेस ऑफ द सॉयल टू द कट। खुदाई के, टेम्प्रोरी सॉयल का मतलब जहाँ खुदाई की जाती है वहाँ से सॉयल को उठा के जब ऊपर किनारों पे रख दिया जाता है तो उसको हम टेम्प्रोरी सॉयल बोलते हैं। और वो खुदाई के समय हमारे जो एक्सकावेशन के जो एज होते हैं, जो किनारे होते हैं, जो कॉर्नर होते हैं, उनसे कम से कम 2 feet दूर इकट्ठा किया जाता है, उनसे कम से कम 2 feet बाहर की तरफ उस मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है जब तक वो उठाई नहीं जाती है वहाँ से। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉयल, ये मिट्टी कितने टाइप की है, कितने प्रकार की मिट्टी होती है। एक्सकवेशन से पहले यही चीज़ देखना है हमें, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि सॉयल जो है वो है कितने प्रकार की मिट्टी। सो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्टेबल रॉक, नंबर 2 टाइप ए सॉयल, टाइप बी सॉयल, टाइप सी सॉयल, टोटल 4 टाइप की है। इसके बाद एक और 5वें टाइप का भी रहता है, उसको हम कंसिडर कर भी सकते हैं टाइप ऑफ सॉयल में, वो होता है लेयर्ड सॉयल, लेयर्ड यानी कि कई लेयर में जो होती है। सो अभी हम 5 टाइप के इसको बोल सकते हैं, स्टेबल रॉक, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और लेयर्ड सॉयल। अब हम बात करते हैं कि स्टेबल रॉक क्या होता है। स्टेबल रॉक मतलब जो मार्बल का पत्थर होता है, ऐसे पत्थर जो स्टेबल होते हैं वो अपने आप हिलते डुलते गिरते कोलैप्स होते हैं टूटते नहीं हैं, उसको हम स्टेबल रॉक बोलते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो कोटा पत्थर हम फर्श में बिछाते हैं, मार्बल के फर्श हम जो लगाते हैं, ये सारे पत्थर स्टेबल रॉक के अंदर आते हैं। इनमें खुदाई करते टाइम में सेफ्टी के मेजर्स अलग होते हैं। अब बात करते हैं टाइप ए सॉइल की, तो टाइप ए सॉइल आर कोहेसिव सॉइल। ए टाइप की जो सॉइल होती है वो कोहेसिव होती है, वो चिपी हुई होती है, वो एक दूसरे में ऐसे मिली हुई होती है, वो अलग अलग नहीं होती है। विद एन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऐसी मिट्टी जिसको कितना भी दबाने से कम 1.5 टन पर स्क्वायर फीट या इससे ज़्यादा की ताकत उसमें होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि उसको, किसी भी मिट्टी को जितना ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है तो कितना दबाव सहन कर सकती है। सो टाइप ए सॉइल उसे कहा जाता है जो आपस में चिपकी हुई होती है और 1.5 टन स्क्वायर फुट या इससे भी ज़्यादा की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। जैसे चिकनी मिट्टी, क्ले, क्ले लोम, सिल्टी, ये सारी मिट्टियाँ जो हैं सॉइल क्लास ए में आती हैं। अब बात करते हैं कि क्लास बी सॉइल क्या है। क्लास बी सॉइल में डिफरेंस उससे ज़्यादा है। क्लास टाइप बी सॉइल आर कोहेसिव सॉइल विद एन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 0.5 टन पर स्क्वायर फुट बट लेस देन 1.5 टन स्क्वायर फुट, 1.5 टन प्रति स्क्वायर फीट से कम होती है, लेकिन 0.5 टन पर स्क्वायर फीट से इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं टाइप सी सॉइल, और ये टाइप बी सॉइल में दोमट मिट्टी और काफ़ी चिपकी हुई बजरी टाइप मिट्टी होती है, लेकिन वो बहुत जल्दी गिरती टूटती नहीं है,
लेकिन जो चिकनी मिट्टी होती है उससे थोड़ी सी कमजोर होती है, ये दोमट मिट्टी ही उसको आप मान सकते हैं जो खेतों में पाई जाती है। टाइप सी सोयल में आता है, टाइप सी सोयल आर कोहेसिव सोयल विद एन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 0.5 टन पर स्क्वायर फुट और लेस। जो ज्यादा से ज्यादा 0.5 टन स्क्वायर फिट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की होती है या उससे भी उसकी ताकत कम होती है उसको क्लास सी सोयल में कंसीडर करते हैं। अब लेयर्ड सिस्टम जो है, लेयर्ड सोयल वो होती है जो एक ही जमीन पे कुछ एक फिट के बाद या कुछ मीटर के बाद लेयर बदलती रहती हैं, अलग अलग लेयर होती हैं जहाँ पे, उसे हम लेयर्ड सोयल बोलते हैं। अब बात करते हैं कि सोयल की टेस्टिंग कैसे होती है, इसका एवेल्युएशन कैसे होता है। तो इसका एवेल्युएशन मुख्य दो तीन प्रकार से करते हैं। सोयल टेस्ट इक्विपमेंट्स होता है पेनेट्रोमीटर। पेनेट्रोमीटर मतलब दबा के चेक करने वाला एक ऐसा मीटर होता है, उसमें स्प्रिंग लगा होता है और जो आपने चिपिंग या ब्रेकर ऐसा देखा होगा ना, वो हाथ में ऐसे पकड़ के ऐसे गड़गड़ ऐसे करके चलता है तो वो पत्थर उत्थर तोड़ता है, कुछ इस प्रकार से वो काम करता है। उसमें एक लंबी नीचे रोड होती है जिसपे स्प्रिंग लगा होता है, तो उसको जमीन पे रख के दबाते हैं एक प्रेशर पे, तो वो उसके ऊपर जो मीटर लगा होता है वो मीटर में बता देता है कि कितने किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर या कितने टन पर स्क्वायर फिट इसका दबाव ये सहन करेगा। किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर में ही इसको चेक करते हैं नॉर्मली। इसके बाद एक आता है शेयर टॉरवेन, एक और मशीन होती है शेयर टॉरवेन, वो छोटा सा होता है, ऑनलाइन भी कोई भी उसको मंगा सकता है। वो छोटा सा एक दो तीन उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं इक्विपमेंट्स में, उसका क्या होता है अलग अलग उसको असेंबल करके और ज़मीन के एक छोटे से सैंपल पे, पूरी ज़मीन पूरी मिट्टी पे रखने जरूरत नहीं है, एक छोटा सा सैंपल लेके आते हैं उस मिट्टी का, उस पे रख के उसमें ऐसे थोड़ा सा एक क्लॉक होता है, क्लॉक वाइज ऐसे उसको घुमाते हैं तो उसके ऊपर एक मीटर लगा होता है जिस पे एक सुई होती है अपने घड़े की तरह, तो आप उसको घुमाएंगे तो जहाँ पे जाके वो मिट्टी को, उसको मिट्टी में ना थोड़ा सा अंदर तक दबाया जाता है, उसमें लिखा रहता है ऐसा, उसके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनमें लिखा रहता है कि इतने mm ही उसको ज़मीन पे नीचे दबाना है बस। फिर उसके ऊपर एक ऐसे एंटी क्लॉक वाइज एक वाल्व होता है, उसको ऐसे घुमाते हैं थोड़ा सा, तो एक लिमिट पे जाके वो ऐसे मिट्टी को ऐसे खोल देता है, ऐसे खुद करके खुल जाता है, मतलब वो मिट्टी की वहाँ पे स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है। तो उसको ऐसे खुलने तक वो सुई जितना भी घूमती है, जहाँ पे जाके वो रुकती है वही उसका स्ट्रेंथ होता है, और ये उसका टन पर स्क्वायर फीट में मापते हैं या तो किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर में उसको हम माप लेते हैं। इसके बाद तीसरा तरीका एक होता है थंब पेनेट्रेशन सोयल टेस्ट। ये देसी जुगाड़ तरीका है, इसमें क्या करते हैं मिट्टी का कोई भी एक सैंपल लेके आते हैं ऐसे हाथ में मुट्ठी भर के पूरा, उसमें अंगूठा रख के दबाने की कोशिश करते हैं। द थंब पेनेट्रेशन प्रोसीजर इन्वॉल्व एन अटेम्प्ट टू प्रेस द थंब फर्मली इनटू द सोयल। अगर आप अंगूठे से उस सैंपल में ऐसे अंगूठे से अगर दबाते हैं तो अगर नहीं दब रहा, अंगूठा जा ही नहीं रहा या बहुत मुश्किल से थोड़ा सा अंदर जाता है तो वो होती है टाइप ए सोयल। ठीक है, ध्यान से मैं आपको देसी तरीका बता रहा हूँ और यही तरीका इस्तेमाल करते हैं, वो मशीन नहीं रखते हैं भाई अपने इधर, बहुत मुश्किल मिलेंगी वो चीज़ें। दूसरा, अगर उसमें अंगूठा वैसे थोड़ा मुश्किल से जा रहा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, और अंगूठे का जो नाखून होता है सिर्फ इतना ही मिट्टी में अंदर जाके रुक जाए, इससे ज़्यादा अंगूठा अंदर ना जा रहा हो, तो उसको हम टाइप बी सोयल में कंसिडर करेंगे। इसके अलावा अंगूठा पूरा का पूरा अगर उसके अंदर ऐसे घुस जाता है, उसके अंदर ऐसे एंटर कर जाता है उस सैंपल में, उस मिट्टी के, उस सोयल के अंदर, तो उसको क्लास मतलब टाइप सी सोयल में कंसीडर करते हैं। तो ये तरीका होता है थंब पेनेट्रेशन सोयल टेस्ट। इसके अलावा एक और तरीके से जो गीली मिट्टी थोड़ी होती है जिसमें मतलब पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसमें पानी के अवयव ज़्यादा ही हैं, तो ऐसे में उस मिट्टी का क्या करते हैं कि उस मिट्टी को ऐसे हाथ में लेके, जैसे शादियों में लड्डू बनाते हुए देखा ही होगा, तो ऐसे ही उसको ऐसे दबा दबा के, और जितनी चौड़ी हमारी हथेली होती है ना उतना ही उसको लंबा, लगभग उसको मतलब 4 से 5 इंच लगभग उसको लंबा कर लेते हैं, और
उसको ऐसे लंबा बना के उसका रोल सा, जैसे हम लोग वो खाने के भी रोल होते हैं तो ऐसे उसको रोल की तरह से लंबा बना लेते हैं, फिर उसको एक कॉर्नर से ऐसे पकड़ के देखते हैं, अगर एक कॉर्नर पे ऐसे पकड़ने के बावजूद वो बीच में से टूट के गिर जाता है तो वो मिट्टी फिर कमज़ोर है, उसकी स्ट्रेंथ कम है। अगर वो नहीं टूटता है तो वो मिट्टी स्ट्रांग है और उसको क्लास ए और बी में उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग टाइप ए और बी में कंसिडर करेंगे, टूट के अगर तुरंत गिर जाता तो क्लास उसकी टाइप सी में उसको कंसिडर करेंगे। इस तरीके से भी टेस्ट मिट्टी का किया जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ एक्सकवेशन सेफ्टी। एक्सकवेशन सेफ्टी के चौथे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रोटेक्टिव सिस्टम्स ड्यूरिंग एक्सकवेशन वर्क। एक्सकवेशन वर्क के दौरान प्रोटेक्टिव सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, और मेथड ऑफ एक्सकवेशन भी बोल सकते हैं, एक्सकवेशन के मेथड वगैरह इसी में आते हैं। तो अभी मैं आपको प्रोटेक्टिव सिस्टम बताता हूँ। मुख्य रूप से चार तरह के प्रोटेक्टिव सिस्टम एक्सकवेशन और ट्रेंच में यूज किए जाते हैं। दे आर द फर्स्ट इज शोरिंग, द सेकेंड इज शील्डिंग, द थर्ड इज स्लोपिंग एंड द फोर्थ एंड लास्ट इज बेंचिंग। शोरिंग, शील्डिंग, स्लोपिंग एंड बेंचिंग, ये चार मुख्य प्रोटेक्टिव सिस्टम यूज किए जाते हैं। लेकिन हर जगह यूज किए जाते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सी ऐसी साइट आपको मिलेंगी कि ये सब चीज़ सुनने को भी नहीं मिलती हैं, देखनी तो दूर की बातें हैं, मुश्किल है ये सब चीज़ें कहीं पे भी मिलना। लेकिन अपन पढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि हमें नॉलेज होनी चाहिए। जहाँ पे ज़रूरत हो इस्तेमाल कर रहेंगे, जहाँ पे नहीं ज़रूरत है छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम शोरिंग के बारे में जानते हैं। व्हाट इज शोरिंग? शोरिंग इज द प्रोविजन ऑफ ए सपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रेंच फेस यूज टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सॉइल, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, रोडवेज एंड फाउंडेशंस। शोरिंग और शील्डिंग इज यूज व्हेन द लोकेशन और डेप्थ ऑफ द कट मेक्स स्लोपिंग बैक टू द मैक्सिमम अलाउएबल स्लोप इम्प्रैक्टिकेबल। देखिए, शोरिंग एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसे इक्विपमेंट्स या एक ऐसी प्रणाली को हम शोरिंग बोलते हैं, जो हमें खुदाई के वक्त दोनों साइड की दीवारों से होने वाला जो नुकसान है, केविन है या कोलैप्स है, उससे बचाता है। अब वो ट्रेंच हो के ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो शोरिंग ज़्यादा एक्सकवेशन के लिए यूज किया जाता है और ट्रेंच के लिए शील्ड ज़्यादा यूज की जाती है। सो वी कंसिडर शोरिंग फॉर द एक्सकवेशन एंड शील्डिंग फॉर द ट्रेंच। तो शोरिंग तीन टाइप की होती है। टिम्बर मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, टिम्बर, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक। तो न्यूमेटिक का तो सिस्टम इधर इंडिया में इधर चलता नहीं है। टिम्बर और हाइड्रोलिक दो तरह की शोरिंग होती है, दोनों के बारे में आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला टिम्बर शोरिंग। टिम्बर शोरिंग इज डन विद वुडन शीट, जिससे बेड या दूसरा और कोई भी चीज़ या कभी कभी दीवारें पार्टीशन हम बनाते हैं तो आपने वो देखा होगा, प्लाई जो होती हैं, प्लाईवुड जो होता है उसको इस्तेमाल करके शोरिंग बनाई जाती है। The shoring shall be designed and constructed to meet all the requirement. Shoring shall be designed by a qualified person and it should meet the accepted engineering requirement. The wooden piece holding all the planks are known as veil and cross bearing to hold both the side apart is provided. फोटो के जरिए आप लोग को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा और साथ साथ में बताता हूँ शोरिंग में क्या होता है। नॉर्मली बात करते हैं, खुदाई जब होती है, जब एक्सकावेशन होती है जमीन के नीचे तक जब जाती है, तो साइड की दीवारें जो होती हैं वो ऐसे ढह नहीं जाएं, उनमें से भुरभुरा के मिट्टी नहीं गिर जाए, ऐसे वो केविन नहीं हो जाए उनमें से, ऐसे कोलैप्स ना हो जाए, उसके डर से उन दोनों साइडों को, दीवारों को सपोर्ट देने के लिए हम शोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। और टिम्बर शोरिंग का मतलब कि लकड़ी से बनाई हुई शोरिंग, तो वो लकड़ी के जो फट्टे, जो प्लैंक्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और प्लाईबोर्ड अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वो भी इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, इस तरफ फट्टे या तो प्लाईबोर्ड लगा देते हैं, इस तरफ लगा देते हैं, और उनके बीच में ऐसे लकड़ी के ही, टिम्बर के ही जो पोल होते हैं, लकड़ी के टुकड़े काट के बिल्कुल एकदम साइज के, उनके बीच में फंसा देते हैं एक रिक्वायर्ड गैप के बाद, एक सूटेबल इंटरवल के बाद, ये इधर लगा दिया, फिर थोड़ी दूर लगा दिया, फिर थोड़ी दूर लगा दिया, ताकि उनके बीच में से आना जाना भी हो जाए और काम भी होता रहे, काम भी डिस्टर्ब ना हो। उससे क्या होता है कि दोनों तरफ
वो दीवारों को ऐसे धकेल के रहेंगे और अंदर की तरफ आने से रोकेंगे, ये जो बीच में हमने लकड़ी के टुकड़े वहाँ पे लगा रखे हैं, जो फट्टे या बल्लियाँ जो हमने बीच में लगा रखी हैं, ये उसको अंदर नहीं आने देंगी। तो ये टिम्बर शोरिंग होती है। इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोलिक शोरिंग की। हाइड्रोलिक शोरिंग देखिए बहुत ही कम इस्तेमाल होता है इंडिया के अंदर, शायद कहीं कहीं पे मिल जाता है। हाइड्रोलिक शोरिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे ही दो स्टील की या प्लाई का भी बना सकते हैं, या तो स्टील की, हाइड्रोलिक में ज़्यादा स्टील का इस्तेमाल करते हैं, तो स्टील की ऐसी चादरें दो साइड में लगा दी जाती हैं, उनके बीच में भी ऐसे ही वो बीच में स्टील की रॉड या स्टील की पाइप्स लगाए जाते हैं जो एक्सटेंड होते हैं और कम हो जाते हैं। लेकिन उसका फ़र्क ये होता है कि वो लकड़ी की तरह ऐसे वहाँ पर ले जाके नहीं बनानी होती, वो पहले से बनी बनाई होती है। उसको दोनों को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जब बाहर निकालना हो तो वो आपस में या तो ऐसे चिपक जाती हैं, या तो फिर ऐसे करके मिल जाती हैं, या तो फिर ऐसे करके मिल जाती हैं, ठीक है, उसी को हाइड्रोलिक बोलते हैं। तो बाद में हाइड्रोलिक प्रेशर से ऐसे, मतलब ऐसे एक है, एक दीवार इधर है, दूसरी दीवार इधर उस पर लगी हुई है, बीच के उसके वो जो है फोल्ड हो गए हैं, डंडे जो बीच की रहेंगे वो फोल्ड हो गए, उसको ऐसे एक्सकवेशन के नीचे उतार के और हाइड्रोलिक प्रेशर देके उसको फिर वापस ऐसे खोल दिया जाता है। तो जितना रिक्वायरमेंट है, जितना उसको खोलना है उतना उसको खोल लेते हैं। तो ये होता है हाइड्रोलिक शोरिंग। अब जो मैंने न्यूमेटिक शोरिंग की बात की थी, न्यूमेटिक शोरिंग में क्या है, ना तो वो लकड़ी का ऐसा बना हुआ होता है, वुडन का भी नहीं है, टिम्बर का नहीं है, और हाइड्रोलिक भी नहीं है, वो दोनों के बीच का मिलाजुला सिस्टम होता है। साइडों में प्लाई या फट्टे लगे होते हैं, लेकिन बीच का उनका जो जैक होते हैं ना वो स्क्रू वाले होते हैं, दोनों साइड से वो एक्सटेंड भी हो सकते हैं और उनकी साइज कम भी की जा सकती है। तो जितना ज़रूरत होता है ऐसे साइडों में प्लाई या फट्टे लगा के उसको बीच में जैक को रख के और दोनों साइड से उतना ही खोल लेते हैं जितना ज़रूरत होती है। जब दोनों दीवारों पर लग जाता है तो उधर उसको लॉक कर देते हैं, वापस उसको ऐसे अनस्क्रू करके वापस बंद हो जाता है, मतलब अंदर की तरफ आ जाता है, और उसके फट्टे या जो हमारी हमने प्लाई लगाई थी उसको निकाल के हम शोरिंग को वहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये न्यूमेटिक सिस्टम होता है। इसके बाद शोरिंग के बाद दूसरा हमारा था शील्डिंग। देखिए ट्रेंच में, ट्रेंच के अंदर प्रोटेक्टिव मेजर्स जैसा हमारा शोरिंग था उसको इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होता है शोरिंग के अंदर, लेकिन शील्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। शील्ड का मतलब रहता है कि पहले से वो बनी बनाई होती है, यानी कि हमें पता होता है एक रेगुलर पाइपलाइन का काम चलना है। मान लीजिए कि ट्रेंच क्या होते हैं, ट्रेंच कहाँ काम आती है, या तो आपने कुछ केबल कहीं बिछानी है, या कहीं पे पाइपलाइन आपने बिछानी है, कहीं शीवर गहरा जो है ज़्यादा डीप शीवर का कहीं पे काम चलना है, तो उसकी पहले से डिस्क्राइब्ड है कि इतनी ही उसकी विड्थ होती है, क्योंकि ट्रेंच की मैक्सिमम जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 15 फीट होती है, 15 फीट से ज़्यादा नहीं करते हैं, सॉरी 15 फीट या 15 मीटर भी हो सकती है, 15-20 फीट तक का ही वो रहता है, उसे बहुत ज़्यादा चौड़े को ट्रेंच में वैसे ही कंसिडर नहीं करते हैं नॉर्मली हम लोग। तो उसका जो साइज है वो डिटरमाइंड होता है, पहले से पता होता है हमें, तो उसकी पहले से फिक्स बना के रखी जाती हैं उतने साइज की हमारी ट्रेंच बॉक्स, इसको बोलते हैं ट्रेंच बॉक्स, फोटो में देख लीजिए, ट्रेंच बॉक्स इसको बोलते हैं। ट्रेंच बॉक्स पहले से बना के रखा होता है और ये स्पेशली हमारे ट्रेंच के लिए ही होता है, नैरो एक्सकवेशन के लिए होता है। तो जब हमारी एक बार एक्सकवेशन हो जाती है तो इसको ला के क्रेन से या मैनुअली कैसे भी उसके अंदर इसको रख दिया जाता है, और उसके बीच में आदमियों को, अपने वर्कर्स को उतार के काम करने को बोला जाता है। ट्रेंच बॉक्स के लिए कुछ एक पॉइंट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेंच बॉक्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम शोरिंग, ये शोरिंग से बिल्कुल अलग होते हैं। इंस्टेड ऑफ शोरिंग अप और अदरवाइज सपोर्टिंग द ट्रेंच फेस, दे आर इंटेंडेड प्राइमरली टू शील्ड वर्कर्स फ्रॉम केविन एंड सिमिलर इंसिडेंट। केविन का मतलब होता है कि कई बार ऐसे मिट्टी ना ऐसे कट लग के बीच में से खसाक से ढह जाती है, और कई बार ऐसे ऊपर से कोलैप्स होती है, तो दोनों से ये अंदर काम करने वाले को बचाता है, क्योंकि एक्सकावेशन में शायद इस वजह से इतना ज़्यादा दिक्कत आए ना आए, मगर ट्रेंच के अंदर तो लिमिटेड एक्सेस होती है, बहुत कम जगह होती है, ना अंदर काम करने वाले ज़्यादा खुल के काम कर सकते हैं, ना इधर से उधर ज़्यादा बहुत कम टाइम में भागने को उनको चांस मिलता है। इसीलिए शील्डिंग उन्हें अंदर सेफली वर्किंग एनवायरनमेंट प्रदान करती है, देती है। द एक्सकावेटेड एरिया बिटवीन द आउटसाइड ऑफ द ट्रेंच बॉक्स एंड द फेस ऑफ ट्रेंच शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। जो दीवारें होती हैं ट्रेंच की,
और जो हमारा ट्रेंच बॉक्स होता है उस दीवार से लगभग सटा के ही उसको लगाया जाता है, या तो फिर दोनों के बीच का गैप बहुत कम होता है। मैं मतलब ये है कि जब हम शोरिंग करते हैं तो शोरिंग में तो डायरेक्ट जो साइडों की दीवारें हैं दीवार पे ही प्लाई या फटा लगा के फिर उसको कसा जाता है, उसके बीच में बली लगाई जाती है। लेकिन शील्डिंग में ऐसा नहीं होता, शील्डिंग में बना हुआ पहले से ट्रेंच बॉक्स होता है तो उसके और साइड की दीवारों के बीच में गैप हो सकता है, और रहे भी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गिरेगा तो भी वो है, वो रोक लेगा, अंदर काम करने वाले सेफ होने चाहिए। द स्पेस बिटवीन द ट्रेंच बॉक्स एंड द एक्सकैवेशन साइड आर बैकफिल टू प्रिवेंट लेटरल मूवमेंट ऑफ बॉक्स। कभी कभी ट्रेंच बॉक्स को रखने के बाद उसकी दीवारों के और बॉक्स के बीच में अगर थोड़ा सा ज़्यादा गैप होता है, थोड़ी ज़्यादा गैपिंग रहती है, तो उसको हल्की हल्की मिट्टी डाल के उसको बैकफिल कर दिया जाता है। वो इसीलिए कि ट्रेंच बॉक्स ना ज़्यादा मूवमेंट ना करे, ज़्यादा इधर उधर ना हिले, वो स्टेबल रहे थोड़ा सा। सो ये ट्रेंच बॉक्स के बारे में मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। अब आपने शोरिंग पढ़ा, शील्डिंग पढ़ा, अब पढ़ते हैं स्लोपिंग क्या होता है। स्लोपिंग का मतलब है स्लोप, स्लोप मतलब ऐसे 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 तिरछा, ऐसे ढलान में बनाना। तो एक्सकैवेशन को ऐसे खड़े में एक्सकैवेट करने की बजाय ऐसे ढलान में एक्सकैवेट करना भी सेफ होता है और ज़रूरी होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी तीन टाइप चार टाइप की मुख्य स्टेबल रॉक टाइप ए बी सी हमारे जो एक्सकैवेशन जो सॉइल है उसमें किस प्रकार की सॉइल पे जो स्लोप है वो कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए एक्सकैवेट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख के रखिएगा, इस चीज़ को भूलना नहीं है। अलाउएबल स्लोप क्या होता है, स्टेबल रॉक जो होते हैं उनमें आप 90 डिग्री का स्लोप एंगल रख सकते हैं क्योंकि वो पत्थर हैं, वो गिरते नहीं हैं, वो अपने आप खिसकते नहीं हैं, बहुत जल्दी कोलैप्स होते नहीं हैं। तो जो स्टेबल रॉक होते हैं उनमें ऐसे वर्टिकली कटाई की जाती है और 90 डिग्री का एंगल स्लोप उनमें मेंटेन किया जाता है। टाइप ए स्टेबल रॉक के बाद जो टाइप ए की सॉइल होती है उसमें 53 डिग्री का जो स्लोप एंगल है मेंटेन किया जाता है। इसके बाद टाइप बी सॉइल जो है उसमें 90 डिग्री से एकदम आधा 45 डिग्री का स्लोप एंगल मेंटेन करते हैं। इसके बाद जो टाइप सी होती है हमारी, टाइप सी में हम 34 डिग्री का जो एंगल है वो उतना स्लोप मेंटेन हम उसमें करते हैं। तो ये फॉर ए मैक्सिमम एक्सकावेशन डेप्थ 12 फीट, ये जो स्लोप मैंने आपको बताया ये मैक्सिमम 12 से 15 फीट तक के लिए ही है ये स्लोप एंगल, और मैक्सिमम 24 घंटे के लिए ही है। 24 घंटे के बाद उसको इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, अगर ज़रूरत पड़े तो स्लोप जो मेंटेन हमने किया हो उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है बेंचिंग। शोरिंग हो गया, शील्डिंग हो गया, स्लोप हो गया, अब बात करते हैं बेंचिंग की। बेंचिंग मतलब बेंच, एक एग्जांपल देके बताता हूँ, फोटो देख लो। जिस बेंच पे हम लोग स्कूल में बैठ के पढ़ते थे या जहाँ पे कॉलेज में बैठ के पढ़ते थे उसको क्या बोलते थे अपन, बेंच। नीचे फिर ऊपर जहाँ पे हम किताब रखते थे, नीचे बैठने का ऊपर किताब रखने का, लेकिन ये सीढ़ी टाइप में। ऑडिटोरियम वगैरह में जो बैठते हैं बिल्कुल सेम, ऑडिटोरियम में बैठते हैं ना ऐसे सीढ़ी नीचे नीचे करके आती रहती है, सामने जो कोई काम कर रहे होते हैं, कोई लेक्चर दे रहे होते, कुछ दे रहे होते हैं, तो उसके पीछे जितनी सीढ़ियाँ ऊपर जो चढ़ती हैं उसी को बिल्कुल आप बेंचिंग मान सकते हैं। बेंचिंग मतलब ये है कि स्लोप कई बार जब काम नहीं करता है, कहीं ऐसी सिचुएशन आती है कि स्लोप वो पूरा काम नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर ना हम लोग बेंची कर देते हैं। बेंचिंग फोटो में देख सकते हैं, बेंचिंग मतलब खुदाई ऐसे बिल्कुल स्लोप में ना करके ऐसे सीढ़ी नुमा कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जितना हमें बीच में काम करने के लिए जगह चाहिए उसके ऊपर हम लोग ऐसे सीढ़ियाँ बनाते हुए खुदाई कर देते हैं कि ऊपर से मिट्टी को गिरने का, केविन करने का, कोलैप्स होने का चांस ही नहीं मिलेगा, वो नीचे गिरेगी नहीं। कोई फॉलिंग मटेरियल भी होगा ना तो वो भी बड़ी मुश्किल से नीचे तक पहुँचेगा, वरना किसी न किसी सीढ़ी पर आके वो रुक जाएगा। तो बेंचिंग करने का ये फायदा, देर आर टू बेसिक टाइप ऑफ बेंचिंग, सिंपल एंड मल्टीपल। द टाइप ऑफ सॉइल डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल रेशियो ऑफ द बेंच साइड। टाइप ऑफ सॉइल
जानने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद ही बेंचिंग की जाती है कि बेंचिंग वर्टिकल रेशियो में करनी है या हॉरिजॉन्टल रेशियो में करनी है। ये दो तरीके से हो सकती है। मतलब घरों में आपने सीढ़ियाँ देखी होंगी, एक तो बहुत खड़ी चढ़ती हैं, मतलब होती तो वो सीढ़ियाँ ही हैं लेकिन बहुत कम जगह में बहुत ऊँचाई पर चढ़ जाती हैं। एक थोड़ी सी लंबी सीढ़ियाँ होती हैं कि वो जो है उनकी ऊंचाई कम होती है लेकिन फिर भी वो बहुत दूर में जाके चढ़ती हैं। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरीके से ये बेंचिंग किया जाता है। इसका बेसिक फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट आप बेंचिंग का मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। लास्ट में अभी एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है वो बता देता हूँ, अंडरपाइनिंग। ये थोड़ा अलग है इन दोनों से और हमारे प्रोएक्टिव सिस्टम में ही आता है। इसको हम बोलते हैं अंडरपाइनिंग। अंडरपाइनिंग मतलब हम ऐसी जगह एक्सकावेशन कर रहे हैं, ऐसी जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है काम का, हमें फाउंडेशन या कुछ बनाना है जहां साइड में एक और बड़ा हैवी स्ट्रक्चर या बिल्डिंग है और वो काफ़ी ऊंचा है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए, मतलब वो हमारी तरफ गिर ना जाए, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग का, नॉर्मली बिल्डिंग का जो फाउंडेशन होता है ना, ऐसा नहीं है कि वो 20 फीट नीचे तक गया हुआ है, वो बिल्डिंग के अकॉर्डिंग फाउंडेशन बनाते हैं, 5 फीट नीचे, किसी का 7 फीट नीचे, किसी का 10-12 फीट नीचे मैक्सिमम। लेकिन हमें एक्सकावेशन जो करना है उसके साइड में, उसमें अंडरग्राउंड ही हमें 2-3 मंजिल बनानी है, कोई मॉल बन रहा है हमारा या कोई और चीज़ बन रही है, तो हम तो बहुत नीचे गहराई तक जाने वाले हैं, तो ये तो फिर पूरा का पूरा ढह के नीचे आ जाएगा फाउंडेशन समेत। इसलिए उसको सपोर्ट देने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है, जो प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है, उसको हम अंडरपाइनिंग बोलते हैं। देख के भी आप पता लगा सकते हैं अंडरपाइनिंग क्या है। इसमें ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सपोर्ट लगा दी जाती हैं ताकि ये इधर ना आए, इधर ना गिरे, इसका इधर झुकाव ना बने और हमारा काम भी चलता रहे। सो आपका एक्सकावेशन का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एक्सकावेशन का स्पेशली कोर्स तो बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है, वो ऐसी ऐसी 15-20 मिनट की तो अगर कंप्लीटली कोर्स करते हैं तो बहुत लंबा, कम से कम 20-22 क्लासेस हो सकती हैं डीपली, लेकिन अपन उतना लंबा नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में इतना ही कर सकते हैं और बेसिक फंडामेंटल्स आपको एक्सकावेशन के आई होप बहुत अच्छे से सारे समझ में आए होंगे। जिसको कुछ समझ नहीं आया है वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वो बता सकते हैं। चलिए फिर एक नए सब्जेक्ट, एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।